Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मंजिल हमारी एक थी राहें सफर चलते चलते हम इधर और तुम उधर कैसे हुए एक जरा सी बात ने उलझा के सबको रख दिया दिरहमों डॉलर इधर से हैं उधर कैसे हुए एक के बाद एक मिनी ट्रेल खसारे में है रेल कौन कौन जाएगा जेल कब खत्म होगा ये खेल मुझे मजबूर ना करो मुंह से निकल जाए ना कुछ और ही बेहतर होगा कि अब तशरीफ ले आए वासे चौधरी देखने वालों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हालचाल हैं आप लोगों के अरे शुक्र अल्लाह का आज तो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं आज आप भी फ्रेश लग रहे हैं अच्छा आप नहीं आप फ्रेश लग रहे हैं अरे जनाब आपकी नजर का कमाल है क्या कहने वरना हम क्या और हमारी तारीफ क्या वैसे ये जो आपने रंग पहना हुआ है इसको क्या कहते हैं ना आप बताइए क्या कहते हैं बेबी पिंक अगर आप कहें तो मैं भाग के आपके लिए फीडर ले आऊं ये मेरे कलर का नाम है बेबी क्या पिंक और ये है ऑफ जामुन मैं ऑफ जामुन नहीं हूँ हल्का नस्वारी हूँ तौबा अस्तगफार टी शर्ट ना पहनना मतलब छोटी उम्र का नहीं हो जाता वो तो आपने देखे जरा क्या ड्रेसिंग की हुई है सूट टाई और ऊपर हैट भी और आप मुझे कह रहे हैं आई एम गोइंग टू पंजाब बट कमिंग फ्रॉम श्रीलंका माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है आपको बहुत शुक्रिया लग रहा है कि वेदर चेंज हो गया है जी कुछ ऐसा हो रहा है वास्ता ये मैसेज है मौसम की तब्दीली का मैसेज है बिल्कुल मुझे गर्म चीजें नहीं पहननी पड़ती अच्छा हीटर मेरे कोल ही लगा इफ्तिखार साहब ने आपको कहा है कि लगता है कि वेदर चेंज हो रहा है मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी लेदर चेंज कर लें यार ये आप उनकी स्किन के बारे में बात करना बंद करें ये जो आपका रोज इस तरह मजाक उड़ता है ना उसी की वजह से आज मैंने आज का जो गेस्ट है वो बुलवाया हुआ है नहीं जी बिल्कुल स्पेशल चाचा बिल्कुल स्पेशल चाचा जी के इस मजाक की वजह से तो हम दोनों निकल जाए फिर नहीं आप यहीं बैठे खुदा का खौफ करें यानी हम वो सुने और जलते रहे जी बिल्कुल ताकि जल जल के फिर हम भी ऐसे ही हो जाए ये देखा फिर वही मजाक ये देखो अल्लाह दी शान हुसन दे बारे गल कर कौन रहा है लेकिन बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को जो कि हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट आप सबकी तालियों में जनाब डॉक्टर अली काजमी डॉक्टर साहब के साथ हमारी दूसरी मेहमान एक ऐसी लड़की जो कि बनने निकली थी स्क्वॉश प्लेयर लेकिन फिर वो एक एक्ट्रेस बन गई ऐसा उन्होंने क्यों किया कहां गया उनके अंदर का स्पोर्ट्समैन आप सब की तालियों में मोहतरमा निमरा खान वेलकम टू द शो जी थैंक यू मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ निमरा के लिए मैं भी आपके लिए एक बंदर लाया मैं भी आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से रीछ लाया हूँ खबर आई है आज हमें कानों कान के तशरीफ लाई है सबकी जान निमरा खान तो हमारे डॉक्टर साहब क्यों शेर से महरूम रहे हम उनके लिए शेर कहेंगे जी जी अच्छा जी जनाब अर्ज किया है चल पड़े स्किन की बात तो जिक्र हो लाजमी चल पड़े स्किन की बात तो जिक्र हो लाजमी आ गया प्रोग्राम में अली हसन काजमी डॉक्टर साहब पहले तो ये कि क्या ये जरूरी है कि स्किन के अच्छे होने का जानने के लिए इंसान की अपनी स्किन अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप देखें कि जब कोई आपके पास आता है तो आप एक अगले के लिए एक आप ऐसा पिक्चर होते हैं कि वो देखे कि भाई अगर ये खुद डॉक्टर है और इसके अपने बाल उड़े हुए हैं ही गंजा बैठा हुआ है या चेहरे पे पिगमेंटेशन है छाइयाँ हैं या चेहरे पे कील निकले हुए हैं उसके अपने तो मैं कैसे आपको कन्विंस करूँगा कि मैं आपके बाल उगा दूँगा या चेहरे पे से छाइयाँ ख़त्म कर दूँगा या एक्ने ख़त्म कर दूँगा आपको खुद प्रेजेंटेबल होना है इन चीज़ों के लिए यानी कि खुद भी आपने माशाल्लाह बड़ा एक मेंटेन किया हुआ है अपने आप को देखिए उसमें ये स्किन जेनेटिकली आप पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं टू बी ऑनेस्ट
उसके बाद आपको डेफिनेटली आपको इसकी एहतियात करनी होती है, लाइक आपको हाइड्रेट करना है, स्किन को मॉइस्चराइज करना है, आपको पानी का इस्तेमाल, इनटेक दूध का इस्तेमाल, फिर धूप से बचाने का इस्तेमाल, ये चीज़ें चंद हैं जो रूटीन की चीज़ें हैं, ये हर एक को करनी चाहिए, तो आपका बड़ा अच्छा आपको स्किन का इफेक्ट मिल सकता है। बड़ा अच्छा इफेक्ट, सुन रहे हैं आप, साढ़े गरीबों वास्ते कोई इलाज नहीं, स्किन का डॉक्टर हो भावे स्पेशलिस्ट हो भावे हकीम हो भावे कोई हो, अमीरां दे इलाज ने। अच्छा हाँ, परहेज ना पहले अंदर धूप से बचना, वो पहले बचे होंगे तो आप अपने हुसन के लिए क्या करते हैं? बच्ची को जवाब दीजिए, मैं हुसन हूँ। अगर उसके मुंह से गलती से निकल ही गया तो चले बताइए, तो फिर उन्होंने नजर वाली ऐनक ला के दियो। गाना गाना मैं यहाँ हुसन दी कलाशन को, अब मेरे को लसंस नहीं ना क्या कलाशन को। डॉक्टर साहब आप इंसानों की स्किन बदलते हैं, सही करते हैं, ये जो स्नेक्स होते हैं ये हर साल खुद ही अपनी एक स्किन उतार के अल्लाह इनको दूसरी दे देता है, ज्यादा इनको जरूरत नहीं। तो हिप्पोपोटामस क्या करते हैं? ये भी जो कहा ना कि स्किन चेंज करें उनकी, हम अपनी चेंज करते हैं, जी जी, तो उन्होंने तो किसी और वे में किया, जो एक बाय नेचर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम स्किन का बनाया हुआ है कि आफ्टर 28 डेज हमारी स्किन खुद डेड सेल्स नीचे से ग्रो करके ऊपर जाके शट ऑफ हो जाते हैं, तो एक किस्म का जो डॉक्टर ये 28 दिन जो है ये एक ही गो में आने चाहिए या वक्फों वक्फों से आते हैं? नहीं, ये एक हर एक के अंदर जो सेल हमारा ग्रो कर रहा है, स्किन की जो अपर लेयर है एपिडर्मिस, उसकी 5 तहें होती हैं, जो उसकी नीचे वाली तह है वहाँ से सेल ग्रो करना शुरू करता है और ऊपर वो चेंज होता रहता है और शेड ऑफ हो जाता है, तो 28 दिनों में हर एक का वो सेल्स वो शेड ऑफ हो जाते हैं और नीचे से नई स्किन टर्न ओवर होकर नए सेल्स डेवलप। आप हमें कहना चाह रहे हैं कि ये नहीं है? हाँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी, अमान साहब को तो हम कब से देख रहे हैं जी, और माशाल्लाह अभी और तक तब से 28 दिन पूरे नहीं हुए। मगर डॉक्टर साहब दरअसल ये रईसों के बच्चे हैं, इनकी स्किन कहाँ खराब होगी, स्किन साड़ी खराब होती है, फोड़े निकल दे रहे, हमारी धूप में फिरना, नहरा च नहाना, हमारी स्किन क्या होगी, गन्ने चुपने, गंडेरियाँ, इन्होंने आइसक्रीम खानी, धूप में नहीं जाना। आप क्यों सासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं? कमतरी मैं सबको बताऊंगा कि आपने मुकाबला हुसन लड़ा हुआ है, हाँ, बाकियों को इनाम मिले थे, आपको जूतियां पड़ी थी। यार आप मुझे बताएं, स्पोर्ट्समैन बनने निकली थी आप, स्कॉश जैसी इतनी एक टफ स्पोर्ट आप खेलती थी, और ये आप एक्टिंग में किधर आ गई? ये सब कैसे हुआ? मैंने अपना बैचलर्स फिल्म मेकिंग में किया था, ठीक है, मुझे एक्चुअली फोटोग्राफी डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा शौक था, स्पोर्ट्स मैंने एज अ हॉबी रखी हुई थी, बट पैशन मेरा इसका था, फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन का। कितने अरसे खेली आपने स्पोर्ट्स? ऑलमोस्ट 3 साल, अंडर 19 में खेलती थी जहांगीर खान के साथ, वो जब इंटरनेशनली जाते थे तो उनके मामू मेरे कोच थे, लाइक उनका और मेरा मैच होता था, लाइक यू नो, तो although he is healthy now, तो थोड़ा सा फिर मुझे मज़ा आता था उनके साथ खेलने में। अच्छा, ये कि बार उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, फिर मैं 1.5 साल ऑलमोस्ट बेड पे रही थी, तो फिर उसके बाद लाइक आई कैन नॉट रन, तो फिर मेरा स्क्वाश छूट गया था, तो फिर मैं एक्टिंग की तरफ ज्यादा फिर मैं लाइक डाइवर्ट हुई। आपको लगता है कि एक्टिंग आसान है या स्क्वाश? हर काम मुश्किल होता है, और अगर आ जाए तो फिर वो आपको आसान लगने लगता है, पहले मुझे एक्टिंग बहुत मुश्किल लगती थी क्योंकि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब मेरे लिए एक्टिंग आ गई भी है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ मुझे एक्टिंग आ गई है, लेकिन ये कि हाँ जो थोड़ा बहुत लिखा होता है उसको एटलीस्ट कन्विंस कर लेती लोगों को कि मैं ये कहना चाह रही हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्किन के इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपके डैडी भी, आपके भाई भी, आपका स्किन से ताल्लुक क्या है? गरीबा नु क्यों खुरक पैंदी, अमीरा ने बच्चा नहीं पैंदी, खारिश पैंदी, दही लैन भी जाने, वो कहना किन्ना दही? अद्धा किलो दे दे, हाँ अद्धा किलो पा के भी, दही पा के भी, लस्सी कर दियो। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो आपने खुरक बोला इसको हम खारिश या स्केबीज अपनी टर्म में कहते हैं, और ज़्यादा बेचारी पुअर फैमिलीज में ज़्यादा आती है, क्यों, वजह है उसकी, देखिए ये वो डिज़ीज़ है कि जो अगर आपको लगी या घर में किसी को लग गया तो ये कंटेजियस होती है, तो उनके बेचारे बच्चे जो होते हैं गरीब के, दो दो इकट्ठे एक चरपाई पे सो रहे होते हैं, इकट्ठे एक और दाई जा ठंड बड़े होने का खाब ओनू आ रहा, ओदा ओनू आ रहा बात एक एक बच्चे ने दवाई लगाई है, सुबह उठे सारी दवाई सारे बच्चे में लगी। बात खारिश की हो रही है तो एक शेद है जी खारिश पर, जी जी आपकी नजर हजरत साहब, जी जी जी, अर्ज किया है कि बादल ना हो तो बारिश नहीं होती, आहा, बादल ना हो तो बारिश नहीं होती, आदमी मर जाए तो खारिश नहीं होती। <जो, laughs>
भी आपने एक्सेसरीज कहाँ से लिए बाबा जी? मुझे भी पोस्ट नहीं पता ना। अच्छा खासा मैं खुश हो रहा था। नहीं बताइए बाबा जी, उन्होंने वो वाला बाबा नहीं कहा तो और कौन सा कहा है? उन्होंने कहा तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। जी तो वो पूछ रही हैं कि आपने एक्सेसरीज कहाँ से ली? ये मुझे एक्सेसरीज जो हैं ये जरा नेसेसरी थी, इसलिए मुझे ये सस्तेसरी मिल गई। इन्होंने बकरी खरीदी सी बड़ी प्यारी सी, वो गले च पईयां सन। आपको अच्छी लग रही हैं। अच्छा लग। आप एक्सेसरीज हार वगैरह चाहेंगे आप? मैं अगले साल लूंगी इनसे। अगले साल क्यों? मैं अपने गाय के लिए कह रही थी। हाँ, मिल जाएंगी, सब चीजें मिल जाएंगी, अंगूठियां भी मिल जाएंगी, ये थैली भी मिल जाएगी। अगर आपकी कई रिसेंट टाइम्स के अंदर इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड तो आपका जहेज और बरी का सामान जो है वो सारा इनसे ही निकलेगा। इनके पास इस तरह के अलावा, वैसे ये सिर्फ पीच है, इसके अलावा इनके पास बर्गंडी और इस तरह के ड्रेसेस और भी हो रही होती है ना, तो आपको वैसे ही एंजाइटी पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं, तो अगर मैं ये पहन के अपने दूल्हे के सामने बैठ जाऊँ वो मुझे वैसे ही छोड़ देगा। तो फिर आप मानती है हमारे हौसले को? इन जैसी लड़की की शादी हो गई, सुबह को अपने शोर से पूछती है सरताज मैंने किसको मुंह दिखाना है किसको नहीं दिखाना? उसने कहा जिसको मर्जी दिखाओ, आइंदा मुझे ना दिखाना। निकली बात अब आ जाती है रिकॉर्ड पर, लीडरों के बेअसर हीले बहाने हो गए। जब ऐसे मरीज हम ऐसे आते हैं ना हमारे पास, तो इन इनमें हमें बहुत स्किन डिजीजेज मिलती हैं, क्योंकि ये लोग नहाते नहीं हैं, ये बिल्कुल लोगों का ये मानना है कि लेजर से आप बड़े जवान नजर आ सकते हैं और आपकी रिंकल्स जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो सकती हैं, डार्क सर्कल्स खत्म हो सकते हैं, तो डू यू बिलीव कि ऐसा होता है कि बिल्कुल ही आप जवान नजर आना शुरू हो जाएं लेजर कराने के बाद? देखें ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन दिस सेंस कि लेजर जो चीज है ये हर डॉक्टर ने अब समझे 5-6 लेजर मशीनें अपने क्लिनिक के अंदर रखी होती हैं, और वो मरीज को वो कभी भी उधर देखने नहीं, वो चाहेगा मरीज मेरा लेज़र की तरफ आए ताकि उससे जो पैसे मिले वो डॉक्टर को मिलें। सबसे गलत ये चीज़ है, लेज़र्स का जो इफ़ेक्ट है इतना मिनिमल और मार्जिनल इफेक्ट है लेज़र्स का कि लोग हर चीज़ पे लेज़र कर रहे हैं, समझे चेहरे की एक्नी के लिए, रिंकल्स के लिए, निशान दाग धब्बों के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्कार्स के लिए, मगर इसका रिज़ल्ट समझ लें 20-25% रिज़ल्ट आता है, तो इससे रिज़ल्ट इसमें कोई रिज़ल्ट नहीं हमें मिलता लेज़र्स के अंदर, सवाए एक लेज़र है कि जो रियली रिज़ल्ट बहुत अच्छा देती है, वो है हेयर रिमूविंग। औरतों के लिए जिनके बाल आ जाते हैं थिक, पूरी शेव बनती है औरतों की, जिनको बकायदा उतारनी पड़ती है अपने थिक बाल, उसमें लेज़र किया जाता है। वहाँ भी डॉक्टर झूठ बोलते हैं कि जी पूरे मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे, कतई ऐसी बात नहीं है, लेज़र से बाल हल्के हो जाएंगे, लाइट सॉफ्ट कम सटल हो जाएंगे, ख़त्म नहीं कभी होते। और किसी रिंकल्स के लिए कोई लेज़र नहीं है, सब डॉक्टर्स सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए ये करते हैं कि जो मरीज़ आया आए हम आपको लेज़र से करें, तो ये गलत चीज़ है कि जो डॉक्टर्स ने शुरू की हुई है लेज़र के साथ। सबको गोरे होने का बड़ा शौक है, हर लड़की गोरा होना चाहती है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वाइटिंग इंजेक्शन हैं, जो सैलॉन्स में ऐसे फेशियल्स हैं, जो इस तरह की क्रीम्स वगैरह हैं, वाइटिंग क्रीम्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सीधा इलाज है, मच्छी खाओ रज के, तो दूध पी लो फुलवेरी हो जाएगी। वैसे ये डॉक्टर साहब एक बड़ी एक इन्होंने इंटेग्रल पार्ट उठाया है हमारे आजकल के मसाइल का, बहुत बड़ा पार्ट उठाया है, मगर उससे पहले मैं अमान साहब का आंसर देना चाहूंगा कि वो तो एक मजाक में बात की, मगर ये एक मिथ है, स्टिल इट्स अ मिथ कि जो फुलबेरी और का खाना मछली और दूध वगैरह का चक्कर, तो इट्स अ मिथ, मगर होता नहीं है, फुलबेरी अपने ओन पे होती है, वो एक अलग इशू है, अलग चीज़ है। मगर जो आप अभी इन्होंने जो क्वेश्चन किया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी पूरी हमारी कौम सारी ये जा रही है रंग गोरा करने के लिए, और जो वेस्ट के लोग हैं वो रंग हल्का पसंद करते हैं, वो जैसे अमान साहब का माशाल्लाह रंग है ऐसा पसंद करते हैं टैन रंग। डॉक्टर साहब आप बड़े ही रहम दिल हैं माशाल्लाह, कि मैं कतलों देने बचाया उन्होंने, यानी इनको भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग होना चाहते हैं। वेस्ट वाले तो टैनिंग की तरफ आ रहे हैं, हम लोग गोरेपन की तरफ जा रहे हैं, मगर आंसर ही देना चाहूंगा 2-3 चीजों का जो उन्होंने पूछा है। पहले तो जो क्रीम्स अवेलेबल इन द मार्केट है, जितनी मार्केट की
टीम्स हैं जो डॉक्टर्स के थ्रू नहीं जाती हैं, एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, एलोपैथिक नहीं है और एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर है, हम कतई वो क्रीम्स नहीं कहते क्योंकि उसमें पता नहीं स्टीरॉयड डाला हो, मर्करी डाला हो या कोई ऐसी चीज़ें हो जिनके साइड इफेक्ट्स आएँ, बिल्कुल वो हम नहीं कहते। सेकंड चीज़ जो उन्होंने कहा कि ब्यूटी पार्लर पे जाके गोल्ड फेशियल, वाइटनिंग फेशियल और माइक्रोडर्माब्रेजन, सो मेनी प्रोसीजर्स होते हैं, कतई कोई डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट उसके लिए भी रिकमेंड नहीं करेगा। मगर ये जो कह रहे हैं कि इंजेक्शन अब आ चुके हैं, ये एक्चुअली में है इस तरह के इंजेक्शन? मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे बड़ा मुझे समझ नहीं आ रही है, हर शख्स हर लड़की हमें आके कहती है डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन लगा दें, हम कहते हैं कौन से रंग गोरा करने वाले। यहाँ आपके प्रोग्राम के तवसल से बताना चाहूँगा क्योंकि इसका बहुत व्यूड है और मैं चाहूँगा लोग सुने इस बात को कि कोई इंजेक्शन नहीं है जो रंग को गोरा कर दे, ये सब एक गलत बात है। ये ग्लूटाथियोन इंजेक्शन होते हैं जिनका एक नाम है, एक दवाई ग्लूटाथियोन जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स होती है, जिस तरह विटामिन ई, विटामिन सी, ये इस तरह की चीज़, विटामिन ए, ये एंटीऑक्सीडेंट है, इट्स अ गुड फॉर द बॉडी एंड फॉर द हेल्थ फॉर द सेल्स, मगर ये बिल्कुल रंग गोरा नहीं करती। अब लोग रंग गोरा करते कैसे हैं इंजेक्शन के साथ जो दो नंबरी करते हैं डॉक्टर्स, वो मैं आपको बताता हूँ। इंजेक्शन लगाया मरीज को और उसको कहा आपका रंग गोरा हो जाएगा, 10-12 इंजेक्शन का 1-1.5 लाख रुपया डॉक्टर लेता है, 1-1.5 लाख रुपया जो उसकी जेब में गया, और रंग को जो गोरा करने, क्योंकि उसको पता है इंजेक्शन से तो रंग गोरा नहीं होना, वो उसको क्रीम्स देंगे लगाने के लिए, सुबह भी लगाएं रात भी लगाएं, उससे चेहरे की रंगत बहुत बेहतर हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, और वो बताते हैं कि हमने इंजेक्शन के साथ आपका किया, तो ये एक बहुत गलत चीज़ हमारी मार्केट में चल रही है। ये वैसे आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं होता, आप तुमने कभी इस किस्म की चीज सुनी है? मैंने देखा है, सुना, आपने इंजेक्शन देखा हुआ है? इंजेक्शन भी देखा, मैंने देखा लोगों गोरा होते हुए, बट उनको कोई क्रीम नहीं दी डॉक्टर के। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अगर आप 10 लोगों को इंजेक्शन लगाएं तो बॉडी तो किसी ने देखनी नहीं होती, हर बंदा चेहरा देख रहा होता है। और वो लोग ये भी कहते हैं चेहरे के लिए अलग है और फुल बॉडी के लिए अलग है, ये भी कहते हैं कि एक साथ आपकी फुल बॉडी भी गोरी होगी और तो अगर से फेस गोरा कराना तो वो एक अलग है, मतलब ये भी मैंने सुना। चलिए मैं ऐसा बता देता हूँ, 10 लोगों को आप इंजेक्शन लगाते हैं और क्रीम नहीं लगाते तो 10 में से 9 को कह लेंगे, 10 में से 10 को कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, और 10 में से 10 लोगों को साथ इंजेक्शन के साथ क्रीम भी लगा रहे हैं तो उसके साथ 10 में से 9 लोगों को इफेक्ट मिलेगा उसका। क्यों? वो क्रीम ने इफेक्ट दिया, इंजेक्शन का तो इफेक्ट ही कोई नहीं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं दिस होल इंजेक्शन थिंग इज अ लाई? लाई, झूठ है। अच्छा मैंने सुना कि दूध पीने से रंग चिट्टा होता है, इसका मतलब काले कट्टे जो दूध मज दे तो नहीं चिट्टे हुए? चाहे इन तेलों में तेल अब नहीं है कि गोरा हो सके, मगर हम आपको बहुत बेहतर कर सकते हैं। खुश करो जरा, तिला से तेल नहीं है, मगर हम आपको भी बहुत बेहतर लफ्ज़ है बेहतर होने के लिए कि आपको क्रीम्स वगैरह दें लगाने के लिए जिससे बहुत बेहतरी आ सकती है। अगर गोरा हुआ तो सिर्फ एक शख्स गोरा हुआ था दुनिया में, दैट वाज माइकल जैक्सन, और वो भी सिर्फ क्यों हुआ, यहाँ वो जो आपने जिस तरह शुरू की बात फुलबेरी हो गई थी, उसको विटिलाइगो बर्स हो गया था, और जो वाइट इंसान हो जाता है बिल्कुल, तो वो हबशी था और उसको वो बीमारी हो गई जिससे वो गोरा हो गया, ये सिर्फ उसके अंदर में। Special come to you. Why you special? You know I have an idea. What kind of an idea? To main do main bade businessman ban sakne. Okay sir. You know the winter is coming. Yes. The last winter I checked out. ਕਿ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਕੀ। ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਸਾ? ਵਾਸਾ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਚਿਕਨ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਆਏਗਾ, ਸੂਪ ਆਏਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਲੋਕੀ ਨਹਾਉਣਗੇ ਵੀ ਯਖਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਵਾਹ ਫਰੀ ਨੇ।
ਬਟ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 50-50 ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਅਜੀਬ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਸਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਤਨੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੇਗੀ। 50-50 ਲੇਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਏ ਆਈ ਡੋਨਟ ਬੇਬੀ ਬੇਬੀ ਬਾਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਿਕਨ ਵੇਚ ਦੇ। ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟ੍ਰੈਸ। ਓ ਯੂ ਆਰ? Yes, I think so. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਟਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡ ਲਵ। ਬਲਾਈਂਡ ਲਵ? ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦਾ ਯਾਸਰ? ਨੋ। ਅਹੂ ਦਾ ਹੀਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਯਾਸਰ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਨੇ? ਕੌਣ ਛੱਡੇ? ਅੰਕਲ। ਅਰੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਉਨਕੇ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬਤਾਊਂ, ਜਬ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਮ ਐਸੇ ਆਤੇ ਨਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਤੋ ਇਨ ਇਨ ਮੇ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ। ਨਿਮਰਾ, ਇਹ ਬਤਾਏ, ਆਪਨੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਲਾਈਂਡ ਲਵ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ। ਇੱਕ ਕੁਛ ਮਿਸਐਪਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਬੀਚ ਮੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਕੋ ਲਾਈਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਤੋ ਵੋ ਫਿਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਹਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰ ਪਾਏ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੋ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਿਰ ਵੋ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪੇ ਛੋੜ ਦੋ। ਔਰ ਵੋ ਇੱਕ ਔਰ ਫਿਲਮ ਥੀ ਸਾਇਆ ਖੁਦਾ-ਏ-ਜ਼ੁਲ-ਜਲਾਲ। ਯੈਸ। ਉਸਮੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ? ਵੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਮੂਵੀ ਵੋ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਬਿਊਟ ਬਲਾਈਂਡ ਲਵ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਉਸਸੇ ਵੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੰਬਾ ਚਲ ਗਈ ਥੀ ਸ਼ੂਟ। ਤੋ ਇਹ ਕਿ ਉਸਕਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਾ ਥਾ, ਲਾਈਕ ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਿਪਿਕਲ ਦੇਸੀ ਗਾਂਵ ਕੀ ਲੜਕੀ ਥੀ ਔਰ ਇਸਮੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਲੜਕੀ ਹੋਤੀ ਹੂੰ। ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਥੇ ਸਾਇਆ ਖੁਦਾ-ਏ-ਜ਼ੁਲ-ਜਲਾਲ ਮੇਂ? ਮੋਮਰ ਆਨਾ ਥੇ। ਮੋਮਰ ਆਨਾ ਥੇ ਔਰ ਬਲਾਈਂਡ ਲਵ ਮੇਂ? ਆਮਿਰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਥੇ ਔਰ ਯਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਵੈਸੇ? ਹਾਂ, ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ, ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਥੀ ਆਖਰੀ ਆਪਨੇ? ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਦੇਖਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ? ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਈ ਮੀਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ, ਲਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਕੋ ਮਿਲਾ ਮਿਲੂ ਕੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਬ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਜਾਏ, ਜਿਸਕੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਵਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਆਖਰੀ ਕੌਣ ਸੀ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਦੇਖਨੇ ਕੋ? ਆਖਰੀ ਮੈਨੇ ਦੇਖੀ ਥੀ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਥੀ ਆਪਨੇ? ਆਪ ਬਤਾਏ, ਆਪਣਾ ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈਂ? ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੌਣ ਸੀ ਦੇਖੀ ਥੀ। ਆਪਕੋ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਥੀ? ਆਪਣੀ ਫਿਲਮੋਂ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਕੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਵੋ ਤੋ ਆਪਨੇ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਦਿਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਅੱਛਾ, ਆਪਕੋ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਥੀ? ਮੁਝੇ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਹਮੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਇਹ ਬਤਾਏ। ਮੁਝੇ ਰੈਡੀ ਵਨ, ਰੈਡੀ ਵਨ, ਰੈਡੀ ਵਨ, 2-3-4 ਜਾਂਜਣੀ ਜਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ, ਜਾਂਜਣੀ ਜਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ। ਨਾਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਾਰਿਸ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਫਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਇਸਦਾ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਮ। ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਹੈ ਵੋ ਡਰਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ? ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਡਰਾਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ। ਡਰਾਮਾਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਮਟੋਲੋਜਿਸਟ। ਇਹ ਡਰਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਅਰੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਹੈ? ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਨਾ ਯਾਰ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ 5-star ਹੋਟਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਾਜ਼ਮੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਰਮਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨ ਕੇ ਐਨ ਅਵਰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ। ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ, ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਸਕਿਨ ਦੇਖੇ ਤੋ ਆਪਕੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਗਰਕ ਹੁਆ ਹੈ ਸਕਿਨ ਕਾ ਕਿ
24 घंटे ते सर जी असि धुप्पां ते खलोते होने ऐसा फिकर करें आप जैसे को भी हम जिस तरह एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जी जी। और आप डेंटिंग पेंटिंग करा के उसको बिल्कुल ब्रांड न्यू कर देते हैं तो उसी तरह हम इनकी भी डेंटिंग पेंटिंग करके जो हमारे पास बोटॉक्स फिलर्स वगैरह होते हैं उनको भी बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं मतलब इन्हें पहले कंध च मारिए मेरे मुंह ते पुटीना शुटीना भरोगे नहीं नहीं हमारे पास मेडिकल गैजेट्स है ना एस्थेटिक्स है हमारे पास चीजें हैं कि जिसके साथ इंजेक्शंस लगाएंगे यही गुफ्तगू तो लगता है बिल्कुल सही डॉक्टर ने बात सुनो तुम ये तो पूछो कि अगर वो ऑफर कर ही रहे हैं कि अगर वो बोटॉक्स और फिलर्स और इन चीजों से तुम्हारा कुछ कर सकते हैं तुम अपना मुंह कैसा करवाना चाहोगे किसकी तरह ए अपना ओदा की नाम जड़ा आजकल मशहूर है साडा अदाकार जड़ा इंडिया च भी काम करदा कौन गाड़ी वाला साहिर लोधी सर पर हम खबरदार आज तो बाद मेरा तेरी मेरी कच्ची यार नहीं नहीं सॉरी 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 यार तू तो बिल्कुल मेनू जीरो कर देता अच्छा फवाद खान फवाद खान जहांगीर खान जहांगीर खान नहीं मैं देखिए स्क्वैश तो नहीं खेलते स्क्वैश खेलते पुराने इन्हों की एक फिल्म आई थी अंधी मोहब्बत अंधी मोहब्बत नहीं ब्लाइंड लव अंग्रेजी फिल्म थी नाले मैं इन्हों की वो भी फिल्म देखी है अपना साया है खुदा है जुलजलाल जी जी बाजी रा नाल फोटो मैं लेनी थी तो भाई बाजी से पूछो मेरे से क्यों पूछो फोटो दी इजाजत है मुझे बर्दाश्त समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं वर्दी से डरूं या आपकी शक्ल से मैं बहू इनमें से डॉक्टर अली काजमी किसके साथ हीरो आना चाहेंगे फिल्म के अंदर मायवे शयाद मायरा खान मानूर बलोच और फिल्म स्टार रीमा जो थी उनका भी आइडिया ओह यस ओह यस सर डॉक्टर वेलकम बैक टू मजाक रात जी ना अजीब गरीब क्या है पहली खबर है पिशावर से जहां इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने एक ऐसी डिवाइस जो है वो इजाद की है जो कि जूते में फिट होती है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बिजली भी बचा रहे हैं और चलते हुए फोन भी चार्ज हो रहा है आपका वक्त भी बच रहा है तो ये आपके आपके हार्ट को या किसी चीज को कनेक्ट तो नहीं करता मतलब नहीं नहीं आप इसको वहां इंसर्ट करते हैं और आप उससे लैपटॉप या कोई भी आपकी डिवाइस है उसको चार्ज कर सकते हैं While walking. Wow. कोई वक्त हो ना लोगों ने नाश्ता नहीं करना लोगों ने कहना मैंने चार्ज कर दे 10 मिनट लिए दूसरी खबर है स्विट्जरलैंड से जहां एक सुपर स्टोर में एक रोबोट को तैनात किया गया है अब रोबोट ये करता है कि जब भी कोई कस्टमर आता है उसको पता है कि कहां क्या चीज पड़ी हुई है हर चीज का उसको नाम भी पता है तो वो जो कस्टमर्स आते हैं उनको गाइड करता है और जो भी उनको चीज चाहिए होती है उनको वहां ले जाता है किधर है स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में जी पाकिस्तान से चीजें नहीं दी ना ये नहीं कि गोरे जो होते हैं मोस्टली वो मतलब हर कोई वहाँ पर सेल्फ मेड होता है सब लोग वहाँ पर वेटर भी होते हैं लाइक बाथरूम क्लीनर भी होते हैं तो इसमें ये उनका हक को नहीं लाइक नो अफेक्ट होगा कि वो चीज़ के रोबोट अब बन रहे हैं उनकी शॉपकीपर पीपल ना कि ज़्यादा उनके लिए कन्वीनियंट है उनको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉल्स इतने बड़े बड़े जब आप स्टोर में जाते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट आपको ढूंढना पड़ता है कि अच्छा कहाँ क्या चीज़ है मेडिकल में रोबोट्स आ गए हैं विच कैन इवन डू द ऑपरेशंस वो असिस्ट कर सकते हैं आपके साथ वो उनके ट्यून अप कर देते हैं और आपका जो एक सिस्टम में जितना जितना पार्ट ऑफ द ऑपरेशन होता है वो रोबोट कर सकता है उसके अंदर लेते थे मतलब रोबोट जाके मरीज को देखेगा आप ठीक नहीं हो सकते आप कहीं और चले जाएं जाएं डॉक्टर साहब आने वाले हैं कौन किसी पाकिस्तान से तुम इंग्लैंड अमेरिका किसी स्टोर तो चीज़ लवो पैसे दे चीज ली इतने रौनक होंगी चीज लैन जाओ भाजी वो फलाना शैंपू है देने तू भार जागदा मुंडा भार जागदा भांजा मेरा भरा सी मेरा पढ़ता रहा लम्बी गलां तू हाले जीना वा हाँ जी मरिया क्यों नहीं ए मीटिंग हो रही मरन मरन लगा मैं तो 2020 का आगाज करते हैं और लेडीज फर्स्ट ये बताइए मैडम स्पोर्ट्स कार में जा रही हैं साथ में एक ही सीट है बेअबान सड़क है आप स्पीड में गाड़ी चला रही हैं देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं इनमें से किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप अपने साथ शहबाज शरीफ साहब आसिफ जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान थर्ड ऑप्शन मौलाना फजलुर रहमान आप एक ट्रेन की बोगी के ऊपर खड़ी हुई हैं बिल्कुल दरवाजे के ऊपर और ट्रेन चल पड़ी है और आप देखते हैं कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं ठीक है जी अब आप उनमें से किसी एक को हाथ देकर ऊपर चढ़ा सकती हैं बाकी दो जो है पीछे रह जाएंगे इनमें से किन को आप हाथ देकर ऊपर चढ़ाना चाहेंगी मैं भी शयात आयशा खान या फिर उर्वा हुसैन आयशा खान मैं कुछ टाइटल्स दूंगा द फर्स्ट कोलीग ऑफ योर्स दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग नेम
गॉसिप गर्ल, मावरा हुसैन गॉसिप गर्ल, ब्लंट महवेश हयात, लेट कमर शहजाद शेख, गुड लुकिंग अफान वहीद एंड मिकाल, नॉट सो गुड लुकिंग, जनरल नॉलेज का सवाल आ जाओ जनरल नॉलेज में आ जाए। ये बता पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर कौन सा है? फैसलाबाद। बिल्कुल सही जवाब। डॉक्टर साहब जी ये बताइए कि आपको अगर कुछ फोन अनलॉक मिलते हैं और ऑल दो ये आपकी आदत नहीं है तो इन अनलॉक फोन्स में से किसका फोन आप चेक करना चाहेंगे, आयशा गुलेलई या आयशा अहद? आयशा गुलेलई। हैवी बाइक आप चला रहे हैं और बड़ी स्पीड पे आप जा रहे हैं और आपके बाल भी हल्के हल्के हेलमेट के नीचे से निकले हुए हैं और ये उड़ रहे हैं और आप देखते हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, तो इनमें से डॉक्टर साहब आप किसको लिफ्ट देना चाहेंगे, मीरा, मथीरा या फिर साहिर लोधी? आई थिंक मथीरा कर लें आप। बहुत दूर की सोची। आपके ख्याल में किस सियासतदान के चेहरे के ऊपर आप सबसे ज्यादा काम करना चाहेंगे आउट ऑफ दीस, आसिफ जरदारी, राणा सनाउल्ला या शेख रशीद? किसी को ठीक करना चाहता हूँ चेहरे को तो वो है राणा सनाउल्ला। पौने चेहरे से मुझे ही मुझे ने ठीक है तो करोगे। इनमें से डॉक्टर अली काजमी किसके साथ हीरो आना चाहेंगे फिल्म के अंदर, महवेश हयात, मायरा खान, मानूर बलोच और फिल्म स्टार रीमा जो थी उनका भी आइडिया? ओ यस, ओ यस सर। डॉक्टर अली काजमी किसके साथ फिल्म में हीरो आना चाहेंगे? रीमा के साथ। अच्छा क्यों? क्योंकि रीमा मेरी बहुत मिलने वाली हैं। तो सर अगर रीमा के साथ काम करेंगे तो आप फिर उनको कैसे बता पाएंगे, क्योंकि उनके चेहरे में तो मेरे नहीं ख्याल मार्जिन है किसी काम शाम का। वो मैंने ठीक कर दी उनके जो छोटे छोटे। अच्छा, आपने ठीक किए? नहीं, आई मीन को जो उनके कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स थी वो ऑब्वियसली काफी अरसे से मेरे साथ इन टच और काफी अरसे से मेरी पेशेंट है। मानूर बलोच के भी कोई है मार्जिन वगैरह निकलता? मानूर बलोच वो क्रॉस कर गई है अपना टाइम। आई थिंक किधर क्या निकल गई, बॉर्डर से आगे निकल गई, किधर क्रॉस कर नहीं, आई मीन के वो अब इंडस्ट्री भी ऑलमोस्ट छोड़ दी है उन्होंने। महवेश हयात के लिए कोई मशवरा हो आपके पास? नहीं, उन्हें इंप्रूवमेंट की चीजें कुछ चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, उनको चाहिए। मायरा खान को भी? जितने एक्ट्रेसेस या एक्टर हैं रिसेंटली जितने भी हैं, चाहे वो बिल्कुल अभी यंग है, उनको जरूरत नहीं है, मगर हर किसी ने, नाम तो मैं नहीं ले रहा, मगर हर किसी ने जरूर कोई ना कोई प्रोसीजर कराया हुआ है। अच्छा जी, याद रखे मेरी बात, सबने प्रोसीजर करवाया? बिल्कुल सबको करना पड़ता है। ये तो खैर अभी बहुत छोटी हैं, इनको तो अभी जरूरत नहीं है, मगर जो थोड़ा सा अगर क्रॉस आगे कर गया है, उनको किसी को ने कहा ना कि जी मेरे लिप एनहांसमेंट कर दें, किसी ने कहने कि हमारी ये फोल्ड जो हैं ये गायब कर दें। मेरे चेहरे पे कुछ जरूरत है? वो कह रहे हैं आप तो अभी छोटी हैं ना, अभी आप आएंगी 5 साल बाद यही होंगे। मानू बलोच वो क्रॉस कर चुकी है, मैं अभी तक एंटर ही नहीं, अभी आप एंटर नहीं हुई। देखिए बेटे, आप अभी उस बॉर्डर से आगे नहीं निकली, वो मानू बलोच है वो अगली लाइन से आगे निकल चुकी हुई है। सबसे ज्यादा आप ये याद रखें, जितना एस्थेटिक है, इसको हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स कहते हैं, सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों में किए जाते हैं, क्योंकि नेचुरली कौन एक लड़की पसंद करेगी कि उसके चेहरे पे एक रिंकल भी आ जाए, चाहे 20 साल की उम्र में आ जाए, वो कभी नहीं पसंद करेगी, तो वो चाहेंगी। तो इसलिए यहाँ से सबसे ज्यादा इनको हमारे साथ इन टच रहना पड़ता है किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ। सर आपके तो फिर फोन बुक के देखने वाली होगी है ना? हाँ, आई थिंक मेरी क्या, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं सबके 90% फीमेल्स पेशेंट्स होती हैं। और मेल पेशेंट्स भी आते हैं आपके पास? हाँ, बिल्कुल वो भी होते हैं, मगर वो एज ए उसमें कम होते हैं, एस्थेटिकली कम होते वैसे हैं। आप क्योंकि जानते वानते तो है नहीं इतना एक्टर और इनको, जब आपके पास आते हैं हीरोज वगैरह तो आप पहचान लेते हैं उनको? वो कम ही होते हैं क्योंकि उनको इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती है, फीमेल्स बहुत ज्यादा आती हैं। और फीमेल्स को वैसे सबको पहचानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं पहचानता जी। नहीं पहचानते आप उनको, तो बड़ी एडवांटेज है आपके पास आती हैं और आप पहचाने ही ना आगे से। अगर मैं फिर जाके अपने मिसेस को बताता हूँ कि भाई आज ये नाम एक आई थी, हाँ हाँ वो उस ड्रामे में, मैं कहता हूँ मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा, है कि कौन से किस में क्या। आखिरी बार कौन सा नाम आया था? नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता। बता क्यों नहीं सकते, उसका लाइसेंस बनवाना पहले। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। निम्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप कि आप लोगों को भी आज बहुत सी चीजें मालूम हुई अपनी अपनी स्किन के बारे में। आपको कहीं भी डॉक्टर अली काज में नजर आ जाए तो सबसे पहले उनसे अपना चेहरा छुपाएं। आइए ना डीजे भाई।